नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी दवा के बारे में जो बच्चेदाने की गांठ गठान या जिसको हम यूटेरिन फाइब्रॉइड बोलते हैं उसे बिना किसी ऑपरेशन के जड़ से खत्म कर सकती है। और इस दवा के बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, यूटेरिन फाइब्रॉइड जो है जिसको हम बच्चेदाने की गांठ या गठान बोलते हैं वो नॉन कैंसरस होती है, एक मांस की गांठ होती है जो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती या बहुत कम चांसेस है कि कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। ये गांठ दोस्तों महिलाओं में 18 से 50 साल की उम्र के अंदर होती है जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये पपीते के बीज से लेकर एक तरबूज के आकार जितनी बड़ी हो सकती है। ये बच्चेदाने के अंदर भी हो सकती है और बच्चेदाने के बाहर भी हो सकती है, या एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों ज़्यादातर केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जैसी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, मेनोपोज की कंडीशन आती है, मेंसेस यानी मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं तो ये गांठ धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, कम होने लगती है। लेकिन कुछ महिलाओं में जब परेशानी बढ़ जाती है तो उन्हें ऑपरेट भी करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है तो डर किस बात का। होम्योपैथी में दोस्तों बहुत सी ऐसी कारगर दवाएं हैं जो बच्चेदाने की गांठ को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। उन दवाओं को लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। इनमें से आज हम एक होम्योपैथी दवा के लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो बच्चेदाने की गांठ यानी यूटेरिन फाइब्रॉइड के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, और इस दवा का नाम है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू। दोस्तों, अगर महिलाओं में बच्चेदाने का आकार बढ़ गया है जिसकी वजह से उनको भार पड़ने की समस्या है, जिसको हम प्रोलैप्स ऑफ यूटरस बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर बच्चेदाने में गांठ की वजह से उनको भार पड़ने की समस्या है, प्रोलैप्स ऑफ यूटरस है, तो भी ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, अगला इस दवा का लक्षण है दोस्तों, अगर बच्चेदाने में गांठ के साथ उनको लुकोरिया की दिक्कत है महिलाओं में और वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है जो कि गाढ़ा नहीं है, थिक नहीं है, नॉन इरिटेटिंग है, मतलब जिससे जलन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का पानी की तरह डिस्चार्ज आ रहा है लुकोरिया का, तो भी ये दवा दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। अगर महिलाओं में दोस्तों रात के समय क्रैम्प आते हैं, मांसपेशियों में एंठन जिसको हम बोलते हैं, ब्रोड जिसको हम बोलते हैं, तो भी ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है दोस्तों, क्योंकि एंठन और ब्रोड आने की सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों वीकनेस, जो कि यूटेरिन फाइब्रॉइड के बाद हैवी ब्लीडिंग की वजह से आ सकती है, इसलिए क्रैम्प के अंदर ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। अगला इस दवा का लक्षण है दोस्तों, अगर पीरियड्स के दौरान, महामारी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जिसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी अगर हम ये दवा देते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, यूटेरिन फाइब्रॉइड के अलावा, क्रैम्प्स के अलावा, लुकोरिया के अलावा ये दवा और भी हमारी बॉडी के अंदर काम करती है, जैसे हेड के ऊपर, जैसे टॉप ऑफ हेड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, ये ज़्यादातर कब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ये फीमेल के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है जब हमारी बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है टॉप ऑफ हेड यानी वर्टेक्स से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर जो बैक ऑफ नेक है, जो ऑक्सीपुट रीजन है, जो सर्वाइकल रीजन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा है तो भी ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, इस जगह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस जगह आपको पेन हो रहा है और वो नीचे एक्सटेंड कर रहा है थाई की तरफ, नीचे जांघों की तरफ जा रहा है ये दर्द, तो भी ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। दोस्तों, ज़्यादातर इस दवा को हम इस्तेमाल करते हैं यूटेरिन फाइब्रॉइड के अंदर, प्रोलैप्स ऑफ यूटरस के अंदर, और तीसरा अगर यूटरस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं तो हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना दवा जो है वो ज़्यादातर जो इसकी पोटेंसी है वो मदर टिंचर रहती है, हम इसको मदर टिंचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसकी 10-10 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम एक चौथाई कप गुनगुने पानी के साथ आप दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा बाद इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा को दोस्तों आप 2 से 3 महीने तक, 4 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, अगर आप इस दवा के और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस दवा को किसी डॉक्टर की गाइडेंस से ही लें, आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर अपनी समझदारी से आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके लक्षणों के आधार पर और भी दवाएं हैं जो यूटेरिन फाइब्रॉइड में काम आती हैं उनको उनके साथ ऐड करते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट फिर आपको मिलते हैं। दोस्तों, यूटेरिन फाइब्रॉइड का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर साइज़ पर होता है, और ये इस चीज़ पर होता है कि आपको कितनी गांठें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिस तरह की जितनी गांठें हैं और जितना बड़ा साइज है उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि 5 से लेकर 6 महीने आपको एवरेज लगते ही हैं इस तरह के केसेस के अंदर, पर उसके बाद आपको फिर किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर आप इस दवा को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप गढ़वाल होम्योपैथी का कूपन यूज़ करते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
दोस्तों अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आप मेरा कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।